आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा जमीनी स्तर पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेश की सभी विधानसभाओं की प्रारूप फोटोयुक्त वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया गया है। अब 31 अगस्त तक मतदाता सूचियों को लेकर दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेगी। खरगोन कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने मतदाताओं के लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, कलेक्शन करवाने सहित फार्म नंबर 6, 7 और 8 की पूरी जानकारी दी। प्रमुख जो इस वर्ष माह नवंबर में जिले में विधानसभा निर्वाचन होना है, निर्वाचन संबंधी स्वीप गतिविधियां जिले में चल रही हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश के निर्देशानुसार इसमें सभी 6 विधानसभाओं में मोबाइल डिस्प्ले वैन MDV चल रही हैं, 6 रथ चल रहे हैं। उसमें वोटर्स को जागरूक करने के लिए पूरा एक LCD भी चल रहा है, साथ साथ हमारा जो EVM है, EVM VVPAT, ये भी गाड़ी के साथ जाता है। कैसे वोट डालना है, वोट जिसको डाल रहे हैं उसी को वोट मिला या नहीं मिला है, VVPAT में वो पर्ची के माध्यम से हम देख सकते हैं, तो ये भी चल रहा है। साथ ही साथ हमारे 6 विधानसभाओं में हर विधानसभा में SDM ऑफिस में और जिला कार्यालय में कलेक्टर ऑफिस में VVPAT का प्रदर्शन हो रहा है। इसके माध्यम से भी वो लोग अपना वोट डालने का देख सकते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण जो काम है इस समय, जो आयोग की जो मंशा है कि मतदाता सूची में किसी भी मतदाता का नाम है तो ही वो वोट डाल सकता है। इसके लिए हम लोगों का प्रयास है कि ज़िले में कोई भी मतदाता जिसकी उम्र 18 साल हो रही है वो मतदाता सूची में नाम ना छूटे। इसके लिए डेट भी निर्धारित है, 1 अक्टूबर 2023 को जिसकी उम्र 18 वर्ष हो रही है वो सभी युवा युवती अभी अपना नाम जुड़वा लें। 2 अगस्त से 31 अगस्त तक सभी मतदान केंद्र, जो कि ज़िले में 1541 मतदान केंद्र हैं, सभी मतदान केंद्रों पर BLO बैठे हुए हैं, BLO से संपर्क कर सकते हैं, अपना फॉर्म 6 भर के अपना नाम जुड़वाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आजकल ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा भी है, वो 2 तरीके से कोई भी मतदाता अपना नाम जुड़वाने के लिए अप्लाई कर सकता है। 1 ECI.co.in इस पोर्टल पर जाकर के इसमें भी फॉर्म 6, 7, 8 इसके माध्यम से भी अप्लाई कर सकता है, नाम जुड़वा सकता है, नाम कटवा सकता है या संशोधन कर सकता है। साथ साथ में एक वोटर हेल्पलाइन ऐप इसको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसके माध्यम से भी वो घर बैठे ही अपना फॉर्म भर सकता है। फॉर्म 6 के माध्यम से उसका नाम मतदाता सूची में जुड़ेगा। नए वोटर्स को फॉर्म 6 भरने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है, एक उसका एज प्रूफ के रूप में या तो उसके पास में जन्म प्रमाण पत्र हो या उसके पास में अंक सूची हो कि उसकी उम्र 18 साल हो चुकी है। इसके साथ साथ दूसरा उसका एड्रेस प्रूफ के रूप में उसके पास में आधार कार्ड हो सकता है या अन्य कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, घर का बिजली का बिल हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, इस टाइप की चीज़ें वो अपना नाम जुड़वाने के लिए 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा तो घर बैठे भी अपना फॉर्म सबमिट कर सकता है। इस बार आयोग ने एक नई व्यवस्था और दी है कि कुछ मतदाता जैसे कि अधिकारी कर्मचारी ट्रांसफर के बाहर से आते हैं, कुछ परिवार काम के सिलसिले में भी वो अपना स्थान चेंज करते रहते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में, एक गांव से दूसरे शहर में, एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा में, एक जिले से दूसरे जिले में, तो ऐसे लोगों के भी नाम जोड़ने की इसमें व्यवस्था ये की गई है कि पहले किसी व्यक्ति को नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरना पड़ता था, उसके लिए जहाँ पर पहले रह रहा था वहाँ से नाम कटवाना होता था फॉर्म 7 के माध्यम से, लेकिन अब ये व्यवस्था को आसान किया गया है। अब इसको कुछ नहीं करना है, वो जहाँ पर रह रहा है वहाँ पर अपना फॉर्म 8 के माध्यम से अप्लाई कर सकता है। फॉर्म 8 में सुविधा दी गई है, उस फॉर्म 8 में उसको ये बताना होता है कि मेरा पहले नाम उस मतदान केंद्र में था पुराने वाले में और मैं अब इस नए मतदान केंद्र में जुड़वाना चाहता हूँ, तो इसमें फॉर्म 8 के माध्यम से उसका नाम यहाँ जुड़ जाएगा
और ऑटोमेटिक तरीके से जिस जगह उसका नाम था वो नाम कट जाएगा। तो ये प्रक्रिया बहुत आसान है, इसलिए मैं सभी से अपील करता हूँ कि अपना सही जगह अपना नाम अवश्य जुड़वा लें, क्योंकि जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर नाम जुड़वाएंगे तो हम वोट डाल सकते हैं, अन्यथा हम वोट नहीं डाल सकेंगे। और लोकतंत्र में वोटर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक नई व्यवस्था और भी है कि ऐसे दो तरह के लोग जो दिव्यांग हैं, जिनकी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट 40% से ऊपर का है, वह अपनी मतदाता सूची में दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लगवाता है BLO के माध्यम से, तो उसका नाम मतदाता सूची में फ्लैग हो जाएगा। या जो व्यक्ति 80 साल से ऊपर का है और वो मतदान के दिन वोट डालने में सक्षम नहीं है, मतदान केंद्र पर नहीं जा सकता है, दिव्यांग हो चाहे 80 साल से ऊपर का, तो वो भी अपनी नाम मतदाता सूची में फ्लैग करने के लिए BLO से संपर्क कर ले। तो उसको यदि मतदाता सूची में फ्लैग है और जब चुनाव की स्थिति बनेगी, जब चुनाव वोट डालेंगे, उससे पहले आयोग की ये व्यवस्था रहेगी कि ऐसे लोग यदि ये अप्लाई करते हैं कि मेरा वोट मेरे घर पर डलना चाहिए, तो उसके लिए वो इस बार नई व्यवस्था है, उनको पहले अप्लाई करना होगा कि मैं अपना वोट घर से देना चाहता हूँ या मतदान केंद्र पर देना है। मतदान केंद्र पर देना है तो कोई बात नहीं है, पर यदि अपना वोट घर पर देना है तो वो अप्लाई करेगा, तो उस पर घर पर वोट डालने की व्यवस्था भी उसकी की जाएगी। ऐसी व्यवस्था ये आयोग ने पहली बार लागू की है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों चीज़ों को भी लोग समझ करके और अपना नाम मतदाता सूची में फिलअप करा लें। एक वोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, हम जानते हैं एक वोट क्या माने रखता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं सभी ज़िलेवासियों से अपील करता हूँ, ऐसे युवा, ऐसे बुजुर्ग लोग जिनके मतदाता सूची में नाम नहीं है या गलत स्थान पर जुड़े हुए हैं या कोई संशोधन करना है, या ऐसे लोग जिनके नाम जैसे कोई मृतक हो गया है, तो सब कटवाने की सब प्रक्रिया अभी से कर लें, ताकि हम लोग आगामी आने वाले चुनाव में हम लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव करवा पाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।